हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप सभी का स्वागत है ललित भाई पर। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, फ्रेंड कम मेरे बड़े भैया हैं। तो इनका मतलब स्टार्टिंग से ही फ़ोन से रिलेटेड काम है और ये स्मार्टफोन्स और इन सब के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो इसलिए आज इनके साथ मैं जा रहा हूँ। और एक बढ़िया स्मार्टफोन कैमरा जिससे मैं ब्लॉग बना सकूँ वो लेंगे, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो अभी तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, ऑटो लेंगे ना, रिक्शा मिल जाए, हाँ जो मिल जाए फिर रिक्शा लेंगे, उसके बाद चलते हैं। सिग्नल चाहिए जिससे की वजह से ना क्वालिटी एक नंबर आती है फिर। अच्छा, और बढ़िया कैमरा आता है। तो आई थिंक मुझे ध्यान नहीं है कि 74। अभी मैं घर से मास्क लाना भूल गया था और अभी मैंने मास्क खरीद लिया है। और ये तो मास्क लाए थे मैंने, उनको देख कर याद आया कि यार मास्क तो लिया ही नहीं मैंने। नहीं, मैंने याद दिलाए। हाँ, इन्होंने याद दिलाया। और अभी हम लोग बैठे हैं ईवी रिक्शा में, मतलब बैटरी रिक्शा में, और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं द्वारका। और द्वारका से फिर देखो कहाँ जाते हैं, भैया को पता है क्योंकि भैया के मतलब स्टोर हो रहे हैं काफ़ी सारे। चलिए चलते हैं। अरे भाई अपना यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बैठ गए एक वैन में, देख सकते हैं वैन कैसी है। आलम, चल रहे हैं राजापुरी माधो बिहार बड़े। अभी जा रहे हैं वेगास। तो अभी हम लोग बैठ गए, अभी हम लोग उतर गए हैं। क्या थी ये वैन? थी वैन से उतर गए। पहले आज से मैं दो साल पहले आया था, 5 रुपये लगता था किराया यहाँ पे। अब मुझे पता नहीं है, इन्होंने मुझसे, हम दो बंदे थे, 20 रुपये ले लिया है। कोई नहीं, मैंने तो बोला कि यार देखो भाई क्या पता, इतना टाइम हो गया, 2 साल हो गया, तो प्राइस बढ़ गए भाई इतना। बाकी मुझे अब लगता है कि दिल्ली में महंगाई आ चुकी है अब फिलहाल। इसके बाद हम जा रहे हैं वेगास, जो कि द्वारका का सबसे फेमस मॉल है। द्वारका में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वेगास काफ़ी फेमस मॉल है। तो हमने सोचा यहाँ पे हम घूम भी लेंगे एंड हमें जो फ़ोन चाहिए होगा वहाँ से ये परचेज भी करेंगे, देख लेंगे। अब तो इसके बाद हम चल ही रहे हैं बस। हम यहाँ पे उतर गए, कुछ दूरी पैदल चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑटो बिल्कुल नहीं मिलता है, यहाँ पे ऑटो नहीं मिलती है। और हम फिलहाल पैदल चल रहे हैं, करीब कोई नहीं, थोड़ा पैदल चलेंगे बढ़िया रहेगा। पहले क्योंकि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा होता है। पेड़ बड़े बढ़िया लग रहे हैं यार, ये बरगद का पेड़ है ना? नहीं भाई, इतनी नॉलेज नहीं है बरगद की। जामुन जामुन नहीं है, इतनी नॉलेज है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मतलब वो लटाई दिख रही है ना, मैं उसी से बोल रहा था कि बरगद का है। आगे लग गया रेड लाइट, नहीं मुझे यहाँ से सामने दिख रहा है वेगास, और ये बोल रहे हैं कि जितना पास दिख रहा है ना उतना पास है नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे कैसे भाई, जब चीज़ वहाँ दिख रही है तो पास क्यों नहीं है, मतलब दूर कैसे हो गई यही? अच्छा घूम के जाना है क्या? नहीं घूम के नहीं जाना। अच्छा इतनी दूरी आधा किलोमीटर है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, इसलिए लग रहा है तुम्हें पास है। अच्छा पता, ये जो जो क्या नाम है बिल्डिंग वाले होते हैं, हाँ ये ना विजिबिलिटी ऐसी बनाते ना कि तुम्हें दूर भाई 3 किलोमीटर दूर होगा लेकिन वो ना उसे क्लियर दिखता है, जैसे लगता है तुम्हें पास ही है। अच्छा भाई, ऐसी चीज़ मैंने नहीं सोची थी कभी कि ऐसा भी हो सकता है कि वो, पर ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है। आप देखो कितना दूर लग रहा है। वो दिख रहा है आपको जो बिल्डिंग है, ऊपर वेगास लिखा हुआ है, तो वही है वेगास मॉल। ये जो बिल्डिंग है यही है वेगास मॉल। अभी हम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पर ये बोल रहे हैं बहुत दूर है, फिर भी चलो फिर हम चलते हैं, देखते हैं। ऐसे रहे तो यहीं पे शिफ्ट होगा। अब भी दूर है क्या? अब तो पास है, आ गया। हाँ अभी भी समझ लो 250 मीटर। हाँ पास ही में, अब तो कहाँ भाई। एक टाइम था भाई 100 मीटर 150 मीटर की स्पिंड मारा करता था मैं, कितने 19-20 सेकंड में। अच्छा रनिंग में। अच्छा अब क्या करें, काम धंधे वाले इंसानों के सुबह उठते हैं चुपचाप ऑफिस निकलते हैं। तब तो मैंने देखा ज़्यादातर, मतलब सबकी यही लाइफ है, लोग जाते हैं काम पे। मेट्रो में भी देखता हूँ, बसेस में भी देखता हूँ, भीड़ भड़ाका वही। हाँ लोग भागते हैं सुबह से काम के लिए। और क्या, घर सिर्फ सोने का है, धर्मशाला है। हाँ हाँ, मतलब घर सिर्फ सोने के लिए आते हैं, है ना। यही उम्मीद होती है घर पे जाएंगे बस, क्या नाम है, किसी घर में मम्मी होगी, किसी घर में भाई बहन होंगे, वाइफ होगी, खाना वाना रेडी करके रखती हैं और आराम से जाओ, खाओ पियो, सो जाओ, कुछ देर बाद करो बस। आ गए भैया हम वेगास मॉल, चलिए अब चलते हैं अंदर। तो अभी आ गए हैं वेगास मॉल में, देख सकते हैं। देख भाई सब कुछ ठीक है भाई, हम क्रोमा वाइट ठीक है, इसका आगे का भी फ्रंट वाइट भी ठीक है, फ्रंट का वाइट ठीक है कि नहीं। सेल्फी भी बढ़ गया, सेल्फी वीडियो कैमरा ठीक है।
ये भी वाइड है, ठीक ठाक वाइड है। चलो फिर वाला देख लेते हैं क्या नाम है, 22। हाँ तो भाई हाँ यार लगा तो हुआ यार। तो अभी लिया है शाओमी का जो फ़ोन है 11T प्रो। ललित भाई चैनल है, पहले पापा मम्मी का बता दो। ये कह रहा था मैं लाइक, अभी जो ये वीडियो बन रही है ये बन रही है शाओमी का 11T प्रो कैमरा से, और यही हमने फ़ोन अभी ले लिया यहाँ से। तो अभी हम सुबह से लगे हुए थे इसी चक्कर में कि फ़ोन लेंगे, और अब जाके ये फ़ोन हमने खरीद ही लिया फाइनली। और तो अभी भाई मेरे को तो ले आओ, अभी ये भाई है इनके वजह से भाई का प्रमोटर है नीरज राजपूत, यो इसका नाम है रविंदर, ये भाई है ना रविंदर जी हैं, रविंदर कुमार नाम इनका। तो अभी इसको लेके चलते हैं, और अभी अंजलि को भी दिखाएंगे क्योंकि अंजलि गई थी एग्जाम के लिए, अभी आपको रास्ते में बताते हैं। देखिए 120 वाट का चार्जर है ये, इसी के साथ है, और ये इसकी केबल है। मिनिमम अमाउंट इसमें एमआरपी चलो अब घर चलते हैं तब दिखाते हैं सबको, सरप्राइज देते हैं। तो अभी स्टोर के बाहर से हमने फ़ोन ले लिया है, और फ़ोन लेके हम जा रहे हैं सीधा घर, और सुबह से लगे रहे देखने में कौन सा फ़ोन बढ़िया है। बहुत सारे फ़ोन देखे, कुछ महंगे थे कुछ सस्ते थे, और फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि यही फ़ोन लेंगे क्योंकि इतना ही रेंज था। तो ये 40,000 के अराउंड, 38,000-39,000 के अराउंड है ये फ़ोन, जो कुछ डिस्काउंट ऑफ़र मिला है इस वजह से। और अभी तो फ़ोन लेके हम लोग जा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बस का, बस में बैठेंगे, और अंजलि भी एग्ज़ाम दे के घर पर आ गई है, तो फिर आपको दिखाते हैं फ़ोन, फिर अंजलि को भी दिखाएंगे, तो उसको भी सरप्राइज़ देना है। उसको नहीं पता था क्योंकि वो तो गई थी अपने एग्ज़ाम देने, और मैंने उसको बोला था कि मैं भी कहीं मेरे को कहीं बाहर जाना है, फिर मैंने सोच ही लिया था कि बहुत दिन से लेंगे और अभी ले ही लिया। तो अभी हम इस पुल पर हैं, क्या कहते हैं फ्लाईओवर, और अभी हम जा रहे हैं दूसरे साइड बस लेने के लिए, क्रॉसिंग कर रहे हैं। फ्लाईओवर नहीं होता ये, क्या होता है अंकल, तो बोल रहे हैं फ्लाईओवर ही, फ्लाईओवर होता है शब्द तो है नहीं, शब्द तो नीचे नीचे से होता है। तो आई नहीं है, और अभी उसका इंतज़ार है कि वो भी आएगी, अभी एग्ज़ाम से आने वाली है वहाँ से, उसके मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, वो वहाँ से आ रही है। तो अभी के लिए तो फिर मेरे को ही जाना है, काम वो थोड़ा साफ़ सफाई करना है यहाँ पे, कपड़े वपड़े मुझे करना है ठीक ठाक, मैं करता हूँ जब तक अंजलि आई जाएगी। तो अभी बज रहे रात के 9, और अंजलि अभी तक नहीं आई है, अभी तक मैंने उसको कॉल किया बोल रही आ ही रही हूँ, पर अभी मैं गया था जिम, और जिम से वापस आ गया हूँ, तो अभी लग रही बड़ी थकान। आज तीसरा दिन था, तो आज तो अभी तो मैं एक दो दिन ब्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो अभी मैं फिर हाथ ही ये पूरा दर्द कर रहा था। पहले दिन जिम जाते तो यही हाल होता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो अभी अंजलि भी नहीं आई, और अंजलि आएगी तो उसके बाद मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं ये फ़ोन लेकर आया हूँ, ये जिस फ़ोन से अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यही फ़ोन है वो। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अपना ये जो ओल्ड फ़ोन है इसको कर दूंगा उसमें डब्बे में बंद। तो आप सोचेंगे कि अंजलि को इतना नहीं पता होगा कि यार ओल्ड फ़ोन है तो उसको है, तो मैं ऐसा करूँगा कि इसको ऐसे करके करूंगा, और पर अंजलि को पता नहीं है, अंजलि ने ये भी ध्यान नहीं दिया होगा, पर उसको पता तो होगा ही, पर वो पता चल जाएगा, मैं देखता हूँ। पर कोई मेरे पास दूसरा कोई नया फ़ोन भी नहीं है, कोई नहीं, मैं डिब्बा ही डायरेक्ट ओपन करूंगा और ये वाला फ़ोन छुपा दूंगा, पर मेरे को रिकॉर्ड भी करना है। कोई नहीं, मैं डायरेक्ट दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, ऐसे ही दिखा दूंगा डायरेक्ट। तो मैं डायरेक्ट मतलब वही डब्बे में रखूंगा, फिर बताऊंगा कि ये देखो देखिए मैंने फ़ोन लाया हूँ, ये देख फ़ोन लेकर आया हूँ, तो वो फिर देखेगी। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ तू कहाँ पर है? मैं तो घर पे ही हूँ। आ रही हूँ, मैं आयुष ही घर पे हूँ, निकल रही हूँ बस। ठीक है फिर आ जा जल्दी। तू घर आ गया? हाँ मैं घर पे ही हूँ। मैं कुछ लाऊं फिर खाने के लिए, बाहर से लेके आएंगे? घर पे ही बनाएंगे, मैं सोच रहा हूँ दाल चावल आलू भुजिया। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ओके, जल्दी भी बन जाएगा, नहीं तो बाहर से आने में तो टाइम लगेगा।
मैं बाहर हूँ, मैं ले आऊँ? देख लियो कुछ बढ़िया अगर हो तो, तो फिर तेरे को ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तू कब आया? अभी आया क्या? हो गया 5 से 10 मिनट हो गए हैं। चल ठीक है, मैं आ रही हूँ, कुछ कपड़े लेने थे, वही देख रहे हैं। ठीक है, देख ऐसी इसकी वीडियो क्वालिटी। गैली लाइट ऑन कर दी वाली। भाई मैं एग्जाम देके आ गई हूँ और ललित मुझे फोन दिखा भी दिया है, तो थोड़ा सा महंगा लग रहा है मुझे फोन, 40,000 का है, लेकिन कोई नहीं। अब उस मतलब ललित लाया तो सोच समझ के लाया होगा कुछ, अभी तो मैंने आगे देखा नहीं है क्या क्या हुआ है वीडियो में, कैसे कैसे मिला क्या नहीं मिला, क्योंकि हम बहुत दिनों से फोन ढूंढ ही रहे थे कि कोई अच्छा फोन हमें सही बजट में मिल जाए। 3 बार जा चुके हैं, 3-4 बार हम स्टोर जा चुके हैं, तो क्योंकि हमें मतलब बजट भी देखना था, बजट की बात थी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बजट की बात थी, तो अब बजट भी मैं हमने देख लिया, ये भी बजट से बाहर ही है, लेकिन कोई नहीं, अब थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अब आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे, कुछ चैलेंज वीडियोस बनाएंगे, और ललित भी है तो ललित और मैं घूमने कहीं जाएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। अभी मैं जा रही हूँ अपनी वीडियो एडिट करने, ललित जा रहा है कुछ खाना लाने, तो हम बाहर से कुछ खाना मंगाएंगे। ये डब्बा इसको हाँ, Xiaomi का 11T Pro ना? हाँ 11T Pro है, देख लो भाई ये है, बहुत क्वालिटी ठीक लग रही है। तो ये है हमारी यूट्यूब की 4-5 महीने 6 महीनों की कमाई के साथ एक ये ले पाए हैं बस, तो अब इसी से बनाएंगे हम बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स और उससे कमाएंगे और ढेर सारा पैसा और फिर और भी इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमारा? अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाँ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिएगा, घंटी तो बज जाएगा। और आपका ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, जब तक आपका ये वीडियो देखने के लिए बाय बाय। अभी हम खाना खाएंगे, तो खाना भी बनानी है, तो मेरे को बाहर से ही लाना है, तो सोच रहे हैं आज फोन नया खरीदा है तो अंजलि शाही तो कुछ मैं शाही पनीर लेके आऊंगा और कुछ रोटियां कुछ नान भी लेकर आऊंगा और माउस भी खराब हो गया और एक माउस भी खरीदना है, तो माउस भी लेकर आऊंगा, क्योंकि माउस नहीं होगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। और हम चलते हैं, नहीं तो हम बात ही करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय। बोलने की खुशी में, वैसे भी सबको तेरा डांस बहुत पसंद आता है और ये टी शर्ट अच्छी लग रही है तेरे पे, पहन ली थी घर पे। चल भाई जा रहा हूँ, जा बाय बाय, जाने तो दे। मैं बोलूँ बिना पैसे के कैसे लाएगा, जा ले। तो बर्तन भी नहीं होते क्या मान जाएगा, क्लाउड किचन का यही तो काम है। चलो भाई पैसा पहले ढूंढू कहाँ, पहले सारे पैसे तो लग की तिजोरी है, सारे पैसे तो ये रहे। तिजोरी का अगर माल आपको देखना है तो किसी एक सेपरेट व्लॉग में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसे है, सीक्रेट चीजें हैं। यार पैसे तो नहीं है मेरे पास, तेरे पैसे हैं क्या? तिजोरी का राज कैश नहीं है तेरे पे? है मेरे पे है। चलो फिर हम अभी ललित आता है उसके बाद आपको मिलाते हैं, मैं जा रही हूँ अपना काम करने, जब तक बाय। तो अभी मैं आ गया हूँ और मैं खाना ले आया हूँ, खाने में आज कुछ मिला नहीं, तो मैंने लास्ट ही बचा था, मतलब एंड ही था समझ लीजिए, क्योंकि दुकान भी बंद होने वाली थी, 9:30 हो गए हैं तो 10 बजे तक एंड ही हो जाता है, तो मैं ले आया हूँ शाही पनीर और नान। कहाँ से प्लेट ढूंढी इतनी तगड़ी। ये भाई नान है, बटर नान है, ये शाही पनीर। तो यही है शाही पनीर और नान, सही बना है। मैं भी खाता हूँ जरा, पहले जैसा ही टेस्ट है। ये हमारी फेवरेट दुकान से है, तो बचपन में हम खाते थे, पापा लाते थे।